वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि एक देश में सबके लिए एक कानून हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वाकई अब इसकी आवश्यकता है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और कानून हो ये बात गलत है। इससे बाहर निकल कर के उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत सबके लिए एक जैसा काम हो रहा है तो कॉमन सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई लोगों को भी मांग करनी चाहिए, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है। वह कहते हैं हमारी सरकार इसके पक्ष में है, कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए भी ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं उसमें धारा 370, राम मंदिर निर्माण और कॉमन सिविल कोड है। विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है, अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 में भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया, उसके बाद भी हटाई गई और यह कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सियासी तूफान भी जल्द मचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।